हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 6 ऐसे फेस पैक जिससे आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम गारंटीड सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आप किसी भी पार्ट को मिस ना कर सके एंड आई गारंटीड कि इस पैक से आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ऐसे बहुत सारे स्किन केयर ब्यूटी लाइफ स्टाइल हैक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे मैंने 6 डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स पे फोकस किया है। पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स, ओपन पोर्स, ड्राई एंड फ्लेकी स्किन, एक्ने एंड एक्ने मार्क, ऑयली स्किन, एंटी एजिंग एंड स्किन टाइट। स्टार्ट करते हैं पहली स्किन केयर प्रॉब्लम्स के लिए विच इज पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स। 1 टेबल स्पून मसूर दाल, 1 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून सैंडलवुड पाउडर, इन सबको अच्छे से मिक्स करके एक थिक बेस बना लेंगे। इसे हमें अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। मसूर दाल बेस्ट इंग्रेडिएंट है पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स को ट्रीट करने के लिए। इस पैक को आपको हफ्ते में 3-4 दिन यूज करना चाहिए बेस्ट रिजल्ट के लिए। इसे हमें 15-20 मिनट तक ड्राई होने तक के लिए रखना है एंड फिर ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। नेक्स्ट पैक है ओपन पोर्स को ट्रीट करने के लिए। आजकल ओपन पोर्स की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही कॉमन होती जा रही है। इसके लिए हमें लेना है 1/2 चम्मच ग्राम फ्लोर या बेसन, 1 चम्मच सैंडलवुड पाउडर या चंदन पाउडर एंड 1 चम्मच दही या कर्ड, इन सबको अच्छे से मिक्स करके एक पैक बना लेंगे। इसे हमें अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। कर्ड से आपकी डेड स्किन एक्सफोलिएट होगी एंड पोर्स अनक्लॉक होंगे एंड बेसन एंड चंदन पाउडर पोर्स को श्रिंक करने में हेल्प करेगा। 3 से 4 यूज एक हफ्ते में आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। इसे भी 15-20 मिनट फेस पे लगा कर रखना है एंड फिर ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। नेक्स्ट पैक है हमारे ड्राई स्किन एंड फ्लेकी स्किन को ट्रीट करने के लिए। इसके लिए हमें लेना है 1 टेबल स्पून राइस फ्लावर, 1 टेबल स्पून ओटमील, 2 टेबल स्पून हनी एंड 1 टेबल स्पून मिल्क। इसे मिक्स करके फेस पे लगाएंगे। ओट्स हेल्प्स इन एक्सफोलिएटिंग एंड स्किन व्हाइटनिंग एंड मिल्क एंड हनी आर बेस्ट इंग्रेडिएंट टू ट्रीट ड्राइनेस। इसे हमें हफ्ते में 3-4 दिन यूज करना है, 15 मिनट फेस पे लगा के रखना है एंड फिर इसे वॉश कर लेना है। नेक्स्ट पैक है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किन प्रॉब्लम विच इज एक्ने। क्योंकि समर्स का टाइम है तो हम समर में इजीली अवेलेबल एंड मोस्ट इफेक्टिव इंग्रेडिएंट का यूज करेंगे विच इज मिंट लीफ या पुदीने के पत्तों का। कुछ पुदीने के पत्तों को हम ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लेंगे। इसमें हम मिलाएंगे 1/2 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी एंड 1 चम्मच हनी। ये हमारा समर स्पेशल एक्ने ट्रीटिंग मास्क तैयार है। इसे हम अपने फेस पे लगाएंगे। मिंट में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होने के कारण ये वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट होता है एक्ने क्योर करने के लिए। इस पैक को 10 मिनट अपने फेस पे रखने के बाद वॉश कर लेंगे। इस पैक को हफ्ते में 3-4 बार यूज करें। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट पैक जो कि है ऑयली स्किन को ट्रीट करने के लिए, जिसके लिए हमें लेना है इक्वल अमाउंट में ऑरेंज पील पाउडर, फुलर्स अर्थ या मुल्तानी मिट्टी, रोज वाटर। मैंने 1-1 चम्मच तीनों का लिया है। इसे अच्छे से मिक्स करके फेस पर अप्लाई करेंगे। गाइस बिलीव मी, इस पैक से ना ही सिर्फ आपकी ऑयली स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, टैनिंग एंड डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशंस भी गायब हो जाएंगे इसके 3-4 दिन यूज के से एक हफ्ते में। इसे ड्राई होने तक लगा रहने देंगे एंड फिर ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। हमारा लास्ट पैक है एंटी एजिंग एंड स्किन टाइटनिंग के लिए, जिसके लिए हमें लेना है 1 टेबल स्पून कर्ड, 1/2 टेबल स्पून हल्दी या टर्मरिक पाउडर एंड 1 चम्मच मसूर दाल का पाउडर। इसे मिक्स करके फेस पे अप्लाई करेंगे। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके स्किन को टाइट करता है एंड रिंकल्स को कम करता है। इस पैक को मैं रिकमेंड करूंगी हफ्ते में 2 दिन यूज करने के लिए। 30 मिनट इसे अपने फेस पे रखने के बाद इसे वॉश कर लें। सो गाइज ये थे 6 फेस पैक आपकी ऑलमोस्ट हर तरह की स्किन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। एंड गाइज अगर और कोई भी प्रॉब्लम रह रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं श्योरली उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो ना यार। ऐसे बहुत सारे हैक्स बताती हूँ मैं और मेरी सिस्टर,
हर मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।